लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स देखे होंगे जिनका ग्लोबल स्टाइल काफी ज्यादा यूनिक होता है। अगर उनका गेम प्ले अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई ग्लू कहीं और लग रहा है, करेक्टर कहीं और मूव कर रहा है, जिससे हमारा दिमाग पागल हो जाता है कि भाई ये बंदा करना क्या चाहता है। अब इसका जीता जाता एग्जांपल आप सामने देख सकते हो, तो ये जो गेम प्ले है ये यार यूट्यूबर का है जिसका नाम है जेरोक्स एफएफ, और ये बंदा ग्लूअल की वजह से ही फेमस हुआ है। प्लेयर होते हैं प्रो, कुछ होते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लेयर, एंड गाइज ये बंदे करना क्या चाहते हैं, अपने फिंगर को तो काफी ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, इनका मूवमेंट तो काफी ज्यादा स्लो होता है, एंड ग्लूअल भी काफी ज्यादा स्लो होता है, एक जगह अटक के एनिमी इनको इजीली तरीके से पेल के चला जाता है, एंड फिर अपने फ्रेंड से बहाना करते हैं वाईफाई नहीं चल रहा, बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। गाइज मैं आज की इस वाली वीडियो में यही ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, तो बस वीडियो का एंड तक देखते रहना, एंड यार वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड स्किप तो यार कतई मत करना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ये ट्रिक बिल्कुल इजी है, बस वीडियो का एंड तक देखते रहना बिना स्किप करे। जी हाँ, लिटरली सब कुछ बता दूंगा आज की इस वीडियो में जो बड़े प्लेयर यूज करते हैं इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए साइड ग्लूअल। ये ट्रिक काफी ज्यादा हार्ड लगती है लेकिन बिल्कुल लप्पू सी ट्रिक है, तो वीडियो का एंड तक देखते रहना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ बेसिक सेटिंग बता देता हूँ जो कि आपको करना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप ये वाली ग्लू लगाना चाहते हो तो। तो उसके लिए जो सबसे पहली सेटिंग है वो है सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी को हाई कर लेना। अगर हाई डिवाइस है तो मैं आपको उसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ हाई डिवाइस में आपको करना क्या होता है, अगर लो एंड डिवाइस है तो उसके लिए मैं बताऊंगा। हाई डिवाइस में रिफ्रेश रेट का एक नाम का ऑप्शन होता है, अगर आपके पास नया फोन है तो उसमें 90 हर्ट्ज़ 120 हर्ट्ज़ होता है, तो उसको हाई पे सेट कर लेना, एंड अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है तो आप उसमें डीपीआई का यूज़ कर लेना क्योंकि आपको सेंसिटिविटी चाहिए। जी हाँ, इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड है, जैसे कि बैकग्राउंड में देख सकते हो मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्लू लगा पा रहा हूँ, आप भी कुछ इसी तरीके से लगा पाओगे, बस आपको थोड़ी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। अब बताते हैं इसको आपको परफॉर्म कैसे करना है। पहले आपको जो है अपने जॉयस्टिक को राइट की तरफ मूव करना है, एंड राइट साइड की तरफ मूव करने के बाद आपको अपने फायर बटन को ऊपर ड्रैग करना है, एंड ड्रैग करते वक्त अपने फायर बटन को छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको होल्ड करे रहना है, एंड होल्ड करके ग्लू वाले बटन पे क्लिक करना, एंड सिट वाले बटन पे क्लिक करना, एंड अपने होल्ड वाले फायर बटन को लेफ्ट की तरफ मूव कर देना बुरा, एंड फिर लेफ्ट फायर बटन से आपको ग्लू लगा देना है कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से तो आप 360 ग्लू वाले इजीली तरीके से लगा सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आपको गन वाले बॉक्स पे क्लिक करके फिर से अपनी गन को स्विच करना है, एंड आपको एक सुपर जंप लेनी है, सुपर जंप लेने के बाद आपको फिर से वही प्रोसेस को दोहराना है, एंड अपनी जॉयस्टिक को छोड़ना नहीं है। एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप जॉयस्टिक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप ये वाला ग्लू कभी भी नहीं लगा पाओगे, इसमें जॉयस्टिक का काफी बड़ा मेन रोल है अगर आप इस तरीके का साइड ग्लू लगाना चाहते हो। आई होप कि आप समझ गए होगे कि इस ग्लू को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है इस ट्रिक को, और ये काफी ज्यादा इजी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, एंड ज्यादा इजी भी नहीं है। जी हाँ, मतलब एवरेज आप इसको बोल सकते हो, बस जॉयस्टिक का आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। एंड लिटरली मैं आपको बता दूं, आपको जो है एसएमजी गन से प्रैक्टिस करनी है, एसएमजी गन से प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली सीख जाओगे। अगर आपको ग्लू के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना दिया, तो उसको जाके देख लेना। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।